इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस है 1.5 nRT, तो जो भी टेम्परेचर पुट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं हीलियम गैस है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, तो ये एक मान लो एक पिस्टन है, ये पिस्टन है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि मैंने इसको हीट दी और पिस्टन यहाँ से यहाँ चला गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी एक्स डिस्प्लेस हो गया, तो आपको इसमें एरिया 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और गैस इज हीटेड स्लोली इन अ प्रोसेस इन विच टोटल ऑफ 42 जूल ऑफ हीट इज गिवन। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी है, 42 जूल गिवन है। इफ टेम्परेचर राइजेज टू डेल्टा टी गिवन है 2 केल्विन या 2 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन, आपको डी एक्स निकालना है कितना होगा, और आपको प्रेशर गिवन है 100 × 10⁻³ पास्कल आपको प्रेशर गिवन है, ये क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट लॉ लगाना आता है डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू। डी क्यू आपको गिवन है 4.2 या 42 42, डी यू आपको बोलो क्या पुट करें, 1.5 nR, क्या डी यू में 1.5 nR क्या आगे, नहीं नहीं मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं डी यू की जगह क्या पुट करूं, यहां पे यू की वैल्यू 1.5 nRT है, तो यहां देखते हुए बताओ कि क्या मैं एज इट इज ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, ये पूछ रहा हूं क्या मैं ये ऐसे पुट करूं डी यू की जगह 1.5 nRT पुट कर दूं, हाँ या ना, ना तो फिर क्या डी टी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर की इंस्टेंटेनियस एनर्जी है और हमें चेंज इन टेम्परेचर गिवन है डेल्टा टी या डी टी, तो अपने को चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगेगी, तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे डी टी, डी यू है तो डी टी और डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी ऐसे, क्योंकि फर्स्ट लॉ डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्क है यू में और डी यू में फर्क है, डी यू में चेंज है और चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी हमें पता है जो कि कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 1, आर की वैल्यू हमें पता है 8.3, सब कुछ पता है, प्रेशर हमें पता है, क्या आएगा यहां से डीवी, डीवी क्या है एरिया इंटू डी एक्स, क्योंकि यहां का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा एरिया इंटू डी एक्स, तो डी एक्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें, तो फर्स्ट लॉ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने क्लियर है। इसके बाद जो अगली शीट थी ना उसके अंदर प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये थी जो 69 नंबर शीट दी थी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन थी जिसमें लॉग टेबल्स और सब कुछ 1.4 0.4 का चक्कर बहुत था, स्पेशली टेम्परेचर और प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स में। आप प्लीज़ उस कैलकुलेशन को छोड़ दें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते ऐसी कैलकुलेशन के, आप सिर्फ मेथड पे फोकस करें, क्या आपको इक्वेशंस लगानी आ रही थी, बस इतना देखें, आप बस मुझे वो क्वेश्चन बताएं जिसमें आपको इक्वेशन लगानी नहीं आ रही, बस इतना बता दें मुझे, क्वेश्चन नंबर बोलो, कैलकुलेशन नहीं। 3, टायर पंप टू अ प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर सडनली बर्स्ट्स, रूम टेम्परेचर गिवन है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर, तो क्या करें, क्या लगाएं इक्वेशन, एडियाबेटिक तो है पक्की बात है क्योंकि गामा दे रहे तो एडियाबेटिक है, तो क्या करें, क्योंकि टायर का जो प्रेशर है वो कितना है 6 एटमॉस्फेयर है, बर्स्ट हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर P1 P2 तो पता लग ही गया, और क्या गिवन है आपको, रूम टेम्परेचर गिवन है, कैलकुलेट टेम्परेचर एस्केपिंग एयर, तो फाइनल टेम्परेचर भी पता है आपको, रूम का टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल, ओरिजिनल टेम्परेचर T निकालना है, तो TV⁴ और P का रिलेशन लगेगा इसमें, तो जो एक बड़ी सी क्वेश्चन कराई थी एडियाबेटिक की वो T⁻γ/P⁻γ, जो बड़ी बेकार सी क्वेश्चन थी याद है, वो याद करने को कहा था मत करना, टेम्परेचर और प्रेशर की इक्वेशन चेक करो एडियाबेटिक में, क्या थी टी चेक कर लो, टी एक मिनट, P1 गामा -1 गामा, बस हो गया,
is equal to P2 gamma minus 1 divided by T2 gamma. ये लगेगी, बस यहाँ से आंसर आएगा. ठीक है यहाँ तक? तो प्रेशर 1 एटमोसफेयर कर लेना बर्स्ट करने के बाद, और टेम्परेचर T1 की वैल्यू आपको निकालनी है, गैस का टेम्परेचर निकालना है आपको, और बाहर का टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में केवल है. मैं इन्हीं प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि आपको टी और पी में बहुत गंदी गंदी क्वेश्चन मिलेंगे, वो कैसे सॉल्व करें बच्चे कह रहे थे, वो नहीं आएगी. इसलिए टेम्परेचर प्रेशर की मेरे को याद भी नहीं है क्वेश्चन, और अगर याद है तो सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन आइडिया समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें. ठीक, इसके अलावा और कोई? सब गैस की क्वेश्चन लग रही है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट वाइज आपको लगता है? ठीक है, 10 पढ़ लो प्लीज. आसान है, ये तो वॉल्यूम दे रहा है आपको, V1 दे रहा है, T1 आपको 300 केल्विन पता है, प्रोसेस एडियाबैटिक है क्योंकि गामा दे रहा है, और कंप्रेस्ड सो दैट टेम्परेचर बिकम T2 दे रहा है. तो T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1. आंसर PV रेशियो गामा माइनस 1 कांस्टेंट. ठीक है यहां तक? ठीक, करें क्लोज.